मेरा आपसे एक निवेदन है कि भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, आप भी आज़ाद हो जाओ। इस अंग्रेजी गुलामी को छोड़ो, अंग्रेजी भाषा छोड़ो, अंग्रेजी भूषा छोड़ो, अंग्रेजी भोजन। आजकल बहुत अंग्रेजी खाना खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन। नाम भी विचित्र है, हॉट डॉग गर्म कुत्ता, कोल्ड डॉग ठंडा कुत्ता, वो खा रहे हैं उसको, मूर्खों के मूर्ख लोग। और उसमें कुछ नहीं है, एक पाव रोटी है, डबल रोटी है, काट के बीच में सलाद भर दिया, हॉट डॉग कोल्ड डॉग। और ये पाव रोटी डबल रोटी सड़े मैदे से बनती है। अमेरिका और यूरोप वाले इसको इसलिए खाते हैं कि वो रोटी नहीं बना सकते आपकी तरह से। आपके देश में जो गेहूं का आटा है ना, अमेरिका में भी गेहूं का आटा है, यहाँ गेहूं पैदा होता है, उनके यहाँ भी होता है, लेकिन हम गेहूं के आटे से रोटी बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, कचौरी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, 20-25 चीज़ें बना सकते हैं। गेहूं के आटे से हलवा बना सकते हैं, शीरा बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अमरीकियों को आता ही नहीं है, यूरोप में कोई बना ही नहीं सकता, मालूम ही नहीं, टेक्नोलॉजी उनके पास है ही नहीं। उनके देश की माताएं बहनें कितना भी पढ़ लिख जाएंगी, रोटी बनाना किसी को नहीं आता। और हिंदुस्तान में कोई भी माँ बहन बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी हो, रोटी तो इतनी बढ़िया बना सकती है जो दुनिया में कोई नहीं बना सकता।